तो बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। इसमें Realme C2 में जो नई अपडेट आई है उसके नए नए फीचर्स के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी डिटेल में क्या क्या नए बदलाव आए हुए हैं Realme C2 डिवाइस के अंदर। और आपने अगर नया वाला मई महीने का जो अपडेट आया हुआ Realme C2 का उस अपडेट को नहीं देखा है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लो। तो चलते हैं सेटिंग में और देखते हैं इसमें क्या क्या हाइडन फीचर्स हैं Realme C2 डिवाइस के अंदर। तो आते हैं हम स्क्रॉल करके नीचे, आपको यहाँ नीचे लाना है और नीचे लेके आना है और नीचे लेके आना है, इधर ला के आपको चेक कर लेना है। आप अपना सॉफ्टवेयर चेक कर लें एक बार, यहाँ से देख लो आप एंड्रॉयड 9 है, कलर ओवर 6 है और ये RMX19 कुछ करके EX11A25 वाला मेरे में जो नया वर्जन है वो है। तो यहाँ से हम बात करें इसके फीचर्स की तो इसको सिर्फ स्क्रॉल करके ऊपर लेके आना है और स्मार्ट सर्विस में लेके जाना है। ये कुछ हाइडन फीचर्स हैं जो किसी को ज़्यादा नहीं पता होता है। तो यहाँ स्मार्ट ड्राइवर पे क्लिक करोगे तो यहाँ देख रहे हो आप, अगर ड्राइविंग मोड में हो राइडिंग मोड में हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, उसी हिसाब से आपका फ़ोन उस जो कॉल कर रहा है उसको पता चल जाएगा कि ड्राइविंग मोड वगैरह के बारे में कि कब कहाँ पर हो, एक ड्राइविंग मोड वाला कैसा ऑप्शन है। ये एक हाइडन फीचर है इस फ़ोन के अंदर और इसके अलावा और बहुत सारे फीचर्स हैं देखिएगा। अभी आपको क्या करना है, इसको लेके जाना है नीचे और स्क्रॉल करके नीचे ले जाना है, एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करके नीचे ले जाना है, यहाँ आप देख रहे हो OTG कनेक्शन देखने को मिल जाता है आपको। उसके अलावा यहाँ पे मिल जाता है डिस्प्ले रैम एंड रोम इन्फॉर्मेशन, यहीं से कर सकते हो आप। उसके अलावा आप सेंसिबिलिटी यहीं से दे सकते हो। उसके अलावा आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जो यहाँ आपको सर्च करना है जेस्टर नाम से, जेस्टर स्वाइप आ गया आपका। तो यहाँ से आपको बटन्स मिल जाते हैं, चाहे जैसे आप नीचे वाले आइकन्स जो बटन है उनको चेंज कर सकते हो डिज़ाइन, जैसे अभी देख पा रहे होगे ये बटन चेंज हो रहे हैं मेरी स्क्रीन के नीचे, तो इनको चेंज कर सकते हो और चाहे इनको बिल्कुल ही स्वाइप कर सकते हो अगर बिल्कुल अगर करना चाहते हो इस टाइप से बैक होना चाहते हो, जैसे अभी देख रहा होगा मेरी स्क्रीन पर यहाँ बैक वाला ऑप्शन, तो इस टाइप से भी कर सकते हो। फिर से जाएंगे जेस्टर में और इनको बंद कर देते हैं क्योंकि मुझे ये कम पसंद हैं, जिसको पसंद ना आए वो रख ली, तो मुझे यही बटन्स पसंद हैं दोस्तों। चलिए बैक करते हैं इस वाले फीचर्स को, बात करते हैं अगले फीचर्स की। तो यहाँ आपको डालना है ऊपर सर्च बार में डालना है आपको स्मार्ट कॉल, आपको सर्च कर लेना है सर्च बार में स्मार्ट कॉल। तो स्मार्ट कॉल सर्च करने के बाद आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो स्मार्ट कॉल का आएगा, इसको खोलना है आपको स्मार्ट कॉल को और इसके अंदर जाके देख सकते हो। ये कह रहा है ऑटो कॉल व्हेन यू प्लेस फोन योर ईयर ऑटोमेटिक ऑन आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक ओके हो जाएगा आपका फ़ोन जब आपका फ़ोन आपके कान के पास जाएगा तो। और नीचे दे रहा है ऑटो आंसर व्हेन योर फोन इज नियर ईयर, ये वाला भी ऑन कर, जब आपका फ़ोन आपके कान के पास है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आगे देखिए नीचे वाले ऑप्शन में क्या है, नीचे वाले ऑप्शन में ये है मोड स्विचिंग ड्यूरिंग कॉल्स, यानी कि मोड ऑटोमेटिकली स्विच ऑडियो फ्रॉम स्पीकर, यानी कि आप अपने फ़ोन को अपने कान के पास में लेके आओगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हैंड हो जाएगा और हैंड अप हो जाओगे, यानी कि आपका फ़ोन हैंड फ्री हो जाएगा और अनहैंड फ्री हो जाएगा, आपके कान के पास जाएगा तो ऑटोमेटिकली यानी स्पीकर मोड में आ जाएगा और ऊपर जो माइक होता है उसमें आ जाएगा फ्लिप टू म्यूट, ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है फ्लिप टू म्यूट इनकम कॉल्स, यानी कि ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जैसे कॉल आ रही है आपकी, आपने अपने फ़ोन को नीचे की तरफ झुका लोगे तो कॉल आना अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैंने इनेबल कर रखे हैं और बहुत सारे फ़ीचर्स के बारे में इसके बताऊँगा मैं, जैसे कि आप स्मार्ट लॉक में जा सकते हो। स्मार्ट लॉक में जाने के बाद आप नीचे आओगे और नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एक बहुत ही अच्छा ओपन स्क्रीन पिनिंग लॉक स्क्रीन अपडेट, तो ये बहुत ही अच्छा है लॉक स्क्रीन पर, इसमें चेंजेस आते हैं बहुत सारे, ठीक है इसको चाहे तो आप कर सकते हो, मुझे ये पसंद नहीं है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर स्मार्ट लॉक में आने के बाद आपका जो वेरिफिकेशन पिन है वो डालने के बाद यहाँ से जो आपके लिए सिक्योरिटी है वो नई आएगी, जैसे कि यहाँ पर दे रहा है कि 1 बॉडी डिटेक्ट, यानी कि आपकी बॉडी को डिटेक्ट कर लेगा आपका फ़ोन, ये वाला लॉक लगा सकती हो।
आप एक प्लेस का वो लगा सकते हो किसी जगह का, यानी कि कहीं पक्का एक जगह लगा लो, उस लोकेशन का लॉक भी लगा सकते हो। अलग अलग लॉक हैं देख रहे हो आप, 3 लॉक्स हैं, अलग अलग को ऐड कर सकते हो और अपने हिसाब से इनको मैनेज कर सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप बताएं, और इसके हाइडन फीचर्स के बारे में जानने के लिए कमेंट करें दोस्तों, और अगर मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में जो बंटे का आइकन आ रहा है उसको भी दबाएं।